दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर 2 महीने के गप्पी फिश या फिर 2 से 2.5 महीने का हम लोग रेंज पकड़ते अगर उस एज में गप्पी फिश है तो वो कितने साइज तक ग्रो होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। उसके बाद उनकी मैं हेल्थ दिखाने वाला हूँ, मैं कैसे केयर करता हूँ वो दिखाने वाला हूँ, क्या उनको फीड करता है वो दिखाने वाला हूँ। तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेंगे अगर इसी गप्पी फिश के बेबीज को ग्रो कर रहे हो या फिर ग्रो करना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, बहुत आपको अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए मैं लाते रहता हूँ वो हिंदी में। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दो से 2.5 महीने के गप्पी फिश कितने बड़े हो गए आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे जो गप्पी फिश है इसमें तो अभी क्लियरली विजिबल हो रहा है कि कौन से मेल है कौन से फीमेल है। हमने जब भी 1 मंथ ओल्ड के गप्पी फिश का वीडियो बनाया था तभी जो गोनोपोडियम रहता है वो देखना पड़ा था मेल और फीमेल के लिए। बट अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे देखो ऐसे जो फिश है, तो इससे तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये सारे मेल है। मेरे को ये मेल है, बट मेरे को ये मेल है, देखो ये मेल है, और भी बहुत सारे जो फिश है देखो ये मेल है। तो ये सारे क्लियरली अभी पता चल रहे कि ये सारे मेल्स है और इसमें फीमेल्स का भी काफ़ी अच्छा क्वांटिटी है, कुछ इसमें मौली फिश के भी बेबीज है। Day 1 से मैं पूरी तरह से कोशिश किया है आपके साथ वो शेयर करने की। अभी इतने साइज़ में हो गए हैं तो ट्राई करूँगा कि कुछ जो फ्राइज है आपको दिखाने के लिए। और ये जार है मेरे को, तो इसमें अच्छी तरीके से दिखेगी हमें गप्पी फिश। तो एक एक करके मैं इसमें मैं निकालूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा। तो पहले इसे हम लोग फिलअप करते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने वाटर को ले लिया है, तो यहाँ पे मैं पहले पिक करता हूँ। देखो इसको मैं कोशिश करता हूँ ये आना चाहिए। यस, इस एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक साथ ही पाँच छः जो है वो गप्पी फिश आ जाते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट है। अभी देखो इसके साथ अभी 2 गप्पी फिश की फीमेल आ गई है। अभी देखो मैं सेपरेट करके बता दे देखो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल है काफ़ी कलरफुल है और ये फीमेल है। ये 2 मंथ्स ओल्ड आप बोल सकते हो मेल और फीमेल है, काफ़ी कलरफुल है। फीमेल का भी आप कलर देख सकते हो, मेल का भी आप कलर देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें मेल और फीमेल है, अभी भी ये फुल्ली ग्रोन नहीं है, बट ये आप देख सकते हो कलर दोनों का काफ़ी विजिबल हो रहा है। मेल का तो काफ़ी खूबसूरत कलर है और फीमेल का भी आप देख सकते हो इसके टेल पे क्या शाइन आ रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट है पेयर को निकलते हैं। एक्चुअली इसमें ना काफ़ी बड़ी फीमेल है, बड़ी लार्ज में है, तो उसको मैं अभी मैं निकल रहा हूँ। मैं देखो आ गई है, थोड़ा मैं अवॉइड कर रहा हूँ इनको नेटिंग करने का, बट आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। मैं अभी इसको मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है मेल है मेरे को, और ये फीमेल है जो काफ़ी लार्ज है। जो मैंने प्रीवियस आपको फीमेल बताई थी उसमें से भी ये लार्ज है, ऑलमोस्ट ये ग्रो हो ही रहा है। पर ये जो दूसरा है ये ग्रोइंग पीरियड पे ये भी फुल ग्रो होगा तभी ऐसा ही दिखेगा। जो बड़ा वाला है ना जिसमें एलिफेंट ईयर के बड़े बड़े जो फिन है तो वैसे दिखेगा। अभी हम बात करेंगे वाटर चेंज की, उससे 3 दिन में 4 दिन में 30% वाटर चेंज कर रहा हूँ। वाटर चेंजिंग रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया तो ज़रूर आप देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फीड की बात है तो फीडिंग क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने 2 प्रकार के फूड है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक इंटर्न का फूड यूज़ कर रहा हूँ, फिर राइफिश का फूड है। तो ऐसे में 2 टाइम अलग अलग फूड में डालता हूँ और मैंने क्रश करके रखा है। फीडिंग कैसे लेते हैं आप देख लीजिए, देखो कभी दिन में 2 कभी भी दिन में 3 बार ऐसे स्मॉल फीडिंग करता हूँ। चलो काफ़ी ग्रोथ अच्छा है आप देख सकते हो, 1 मंथ पहले जो मैंने गप्पी फिश दिखाए थे और अभी के गप्पी फिश में काफ़ी फर्क है। तो ये फूड कैसे सेमी सिंकिंग पैलेट है तो सिंक हो जाए है, तो आप देख सकते हो अभी टैंक के ऊपर में कितना क्वांटिटी, नीचे आप देख सकते हो बहुत सारे गप्पी फिश नीचे जाके वो फीड है वो ले रहे हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको सारे गप्पी भी शेयर दिखाए हैं, उसके साथ मैंने आपको क्या मैं फीड कर रहा हूँ अभी, कैसे मैं वाटर चेंज मतलब कितना मैं वाटर चेंजिंग कर रहा हूँ, कितने टाइम में फीड कर रहा हूँ, तो सारा आपको मैंने दिखाया है। मैं ट्राई किया कि गप्पी बिश के बेबीज़ को क्लोजली आपको दिखाने के लिए, जो कि आपको पता चले कि 2 से 8 महीने के जो गप्पी बिश के बेबीज़ रहते हैं वो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों मुझे इजाज़त दे इस वीडियो को एंड करने की। दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।